नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कश्यप आपका स्वागत करता हूँ stnews.co.in में, जहाँ आज हम आए हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पे, जहाँ पे 4000 उर्दू भर्ती को लेकर उर्दू टीटी पास मोहल्ले उर्दू एसोसिएशन के लोग का विशाल धरना चल रहा है, जिन्होंने अभी बीजेपी कार्यालय और मंत्री शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी का घर का घेराव भी किया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई कोई आश्वासन सरकार की तरफ से उनको नहीं मिला है। तो आइए हम बात करेंगे कि किस तरह से आज वो लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, क्योंकि घर छोड़ के बाहर धरना देना कितना मुश्किल काम होता है, ये इनसे बेहतर कौन समझ सकता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान है जी। मैं एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ और हम लोगों का धरना 10 तारीख से लगातार चल रहा है। अभी तक कोई भी हमारी अधिकारी पूछ करने के लिए नहीं आए, मजिस्ट्रेट साहब यहाँ आए या और जगह पर जहाँ भी हम पहुँचे, केवल आश्वासन दिया है कि आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी मुलाकात के लिए कोई भी रास्ता नहीं बनाया गया है, किसी से हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। जबकि 16460 का जियो एक साथ निकला था, उस जियो में 12460 प्लस 4000 उर्दू भर्ती दोनों के लिए कोर्ट से आदेश किया गया था। सिंगल बेंच से हमने जीता, उसके बाद में डबल बेंच से हम जीत चुके हैं। 12460 का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में ये आदेश कर दिया है कि आपकी नियुक्ति दे दी जाए, परंतु भी सरकार आपकी नियुक्ति नहीं दे रही है। जी, 2 महीने में प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने। पहले सिंगल बेंच में जाने के बाद में उसने भी 2 महीने का टाइम दिया था, उसको फॉलो नहीं किया गवर्नमेंट ने, उसके अपोजिट स्टे के लिए गवर्नमेंट पहुँची डबल बेंच, और डबल बेंच ने भी उसे 2 महीने का आदेश किया। उस 2 महीने के आदेश को हुए हुए भी आज 34 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, हम हर जगह ठोकरें खाते खाते परेशान हो चुके हैं, दर दर भटक रहे हैं हम लोग, उम्र के इस पड़ाव पे हैं। मंत्री से आपकी मुलाकात हुई है अभी? नहीं हुई है सर, आज तक मुख्यमंत्री जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। अनुपमा जायसवाल माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी, उनके घर पर हम जब भी पहुँचे हैं, घर में होते हुए भी हमें वो वापस पुलिस के जरिए प्रताड़ित करती है। शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल हैं, वो आपसे मुलाकात नहीं कर रही हैं? जी, हमसे मुलाकात ही नहीं करना चाहती। कल भी हम शिक्षा लोग गए थे आप लोग मुलाकात करने? मुलाकात करने के लिए कल हम 5 लोग गए थे जी। और उससे पहले हमारे लगभग 500 लोगों का, सारे लोग पूरे यूपी से आए हुए थे, वो लोग भी उनके पास जा चुके हैं, लेकिन वो मुलाकात करने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि हमें खदेड़ दिया जाता है पुलिस प्रशासन के जरिए, हमें वहाँ से भगा दिया जाता है। जी, प्रदेश की शिक्षा मंत्री हैं अनुपमा जायसवाल, जिनके वहाँ फरियादी जब फरियाद लेकर पहुँचते हैं तो उनको खदेड़ के भगा दिया जाता है। और आइए अभी हम बात करेंगे, महिलाएं भी यहाँ धरने पर बैठी हैं, किस तरह की दिक्कतों का आज उनको सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? जी, शबाना पटेल। ये बताइए, किस जिले से आप आई हैं? जी, हम लखनऊ से। तो क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोग? बस हमारी लोग की सिर्फ एक मांग है, कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोगों की भर्ती पूरी की जाए। 4000 उर्दू भर्ती है जो रुकी हुई है, उसको पूरी की जाए। तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आप लोगों जी नहीं कोई आश्वासन है? आश्वासन तो मिलता है कि बस आपका हो जाएगा, मंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन कोई मुलाकात अभी तक नहीं हुई। बीजेपी कार्यालय घेरने के बाद, मंत्री शिक्षा मंत्री का घर घेरने के बाद भी कोई कार्रवाई कोई आश्वासन सख्त नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। तो अभी और लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें इन लोगों को आ जा रही है, क्योंकि आज धरना शायद इनका काफ़ी टाइम से हो गया। कितने दिन हो गए धरने को? सर, हम लोगों को धरने को 6 दिन हो गए हैं। 6 दिनों से धरना इन लोगों का चल रहा है जी। जो सरकार द्वारा क्या प्रतिक्रिया आप लोगों के लिए मिली? जितनी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, सारी प्रतिक्रियाएं निगेटिव मिल रही हैं, पॉजिटिव नहीं मिल पा रही हैं। और हम लोग कल अनुपमा जायसवाल के यहाँ घेराव भी करने गए थे, लेकिन अनुपमा जायसवाल जी के यहाँ से कोई भी नहीं आया आप लोगों? कोई भी बाहर एक उनका पीए भी नहीं आया वार्तालाप करने के लिए कि कम से कम हमारे जो है बेसिक शिक्षा का मामला है, लाइए इन लोगों से बात कर लें, बात करने भी कोई नहीं आया। ये ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि भेदभावपूर्ण का रवैया है, हम लोग की तरफ बिल्कुल रुझान ही नहीं है, जैसे लग रहा है हम लोग कहीं से ऐसे ही उतर के चले आए, बल्कि हम लोग भी योग्यता पूर्ण रखते हैं, टीटी पास हैं, पीटीसी हैं। तो सरकार का ये जो रवैया है कहीं ना कहीं लोगों को खटक रहा है। हम बात करेंगे और लोगों से कि क्या उर्दू शिक्षक है इस वजह से इन लोगों की भर्ती, क्योंकि इन लोगों का ऐसा कहना है कि सरकार भेदभाव रखती है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाकिर अली। किस जिले से आए? मैं महाराजगंज जिले का। क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे ये कि हमारी 4000 जो उर्दू भर्ती है जी, उसको जल्दी से शुरू किया जाए। खत्म? कब से रुकी है भर्ती? ये काफ़ी 14 महीने हुई है। 14 महीने
14 महीनों से घर की रुकी हुई है। इन लोगों के सरकार की तरफ से कोई सख्त आदेश निर्देश इन लोगों को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ मैं विक्रम कश्यप से जाता हूँ। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।